ठीक है, तो यू कैन नॉट गेस कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट है ये, जस्ट बाय लुकिंग, ये सारे एक ही हैं तारों की, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ काम और पकड़ के हाथ में, ये एंड आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इट इज़ दिस एंड जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन करवाएगा, ठीक है। सो ये है एक कर्व्ड आर्टरी फोरसेप, ठीक है। सो दिस इज कर्व्ड आर्टरी फोरसेप्स, ठीक। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, ठीक। नंबर टू इज द फंक्शन क्या बॉडी में, ठीक है। इसका है कि टू स्टॉप एनी ब्लीडिंग एरिया, ठीक है, हीमोस्टैट, ठीक है। अगर आपने कोई फॉरेन सीजन देखे हैं या फॉरेन शोज देखे हैं, उसमें इसको हीमोस्टैट भी कहते हैं वो, कि ये ब्लड को रोकने के लिए या वेसल्स को लाइगेट करने के लिए, लाइगेट करने से पहले, लाइगेट जो होता है वो सूचर की मदद से होता है, जिसमें हम वेसल के गिर्द स्टिच कर देते हैं, थ्रेड बांध देते हैं, ठीक है, उसको हम लाइगेशन कहते हैं। जस्ट जैसे यहाँ से अगर ब्लीड कर रहा है, ये एयर ब्लीड कर रहा है, हमने ऐसे करके लगा दिया कि ब्लीड ना करे, ये हीमोस्टैटिक पर्पस हुआ है, ठीक है। और कहाँ पर इसको नहीं लगाना चाहिए, इट्स वेरी शार्प, ठीक। इसको हमने बावल्स पे, सॉफ्ट एरियाज पे नहीं लगाना होता, इसको कहते हैं शांजे, ठीक है। हीमोस्टैटिक पर्पज ही है इसका, लेकिन डीपर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ठीक है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो फर्ज करें अगर बहुत डीप स्ट्रक्चर है, जैसे अगर ये नीचे पेल्विस में है, तो आप शांजे से क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाके इसको जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे भी इसको क्लोज कर सकते हैं कि ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन अगर आपने स्टिच गुजारना है, इधर लेके चले जाते हैं, आपके असिस्टेंट आपको स्टिच पास करता है, ठीक है, और आप उधर से स्टिच गुजार के उसको लाइगेट कर देते हैं। अब ये फंक्शन आप उस आर्टरी जो आपने पकड़ी हुई है उससे अचीव नहीं कर सकते, वो ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये हीमोस्टैटिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन स्टिच गुजारना इसमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये कर्व्ड एरियाज के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम शांजी कहते हैं, जो आगे से इतना कर्व्ड होता है, वो कर्व्ड आर्टरी फोरसेप है, लेकिन वो उतना कर्व नहीं है जितना ये है, ठीक है, ऑलमोस्ट राइट एंगल है टू द बॉडी। दिस एंड इज सिमिलर, ये प्लेन फोरसेप्स हैं, और ये अगर देखो दिस इज टूथ फोरसेप्स, ठीक है। टूथ फोरसेप से आप टिश्यूज को होल्ड करते हैं, जैसे बावल्स को आपने होल्ड नहीं करना, ठीक है। प्लेन फोरसेप्स, टूथ फोरसेप्स, ठीक है। एलिस फोरसेप्स, ठीक है। हार्ट स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, अगेन इट इज नॉट फॉर बावल्स, उनके लिए नहीं है, लेकिन हार्ट स्ट्रक्चर बॉडी में कौन कौन से हैं, इंट्रा एब्डोमिनल, एक तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, स्किन को भी इसे होल्ड कर सकते हैं, टिश्यूज को भी इसे होल्ड कर सकते हैं। अब सिर्फ टिश्यूज या वर्ड आपने यूज किया होगा एनाटॉमी में, एपोनेरोसिस ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इफ यू आइडेंटिफाई दिस थिंग एंड से वी होल्ड एपोनेरोसिस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज सफिशिएंट टू गिव यू 5 out of 5, ठीक है। ये इंटेस्टाइन्स को होल्ड करने के लिए, अगर इंटेस्टाइनल रिसेक्शन होनी है तो इंटेस्टाइनल क्लैंप्स इनको कहते हैं, इनको कहते हैं नॉन क्रशिंग क्लैंप्स, नॉन क्रशिंग क्लैंप्स। इनकी निशानी क्या है, इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनली आपको नजर आएगा रेज रन कर रही हैं, जो इनकी मार्किंग्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रे रन कर रही हैं इसके अंदर, तो ये नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैंप्स हैं, ठीक। इसके अंदर देखें जरा, ये क्रशिंग क्लैंप्स हैं, ट्रांसफर्स टू द बॉडी, ठीक है, ये रन कर रही हैं, तो दिस इज क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैंप्स और ये नॉन क्रशिंग, ठीक है। ये एक चीज है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर होल्डिंग फोरसेप्स, ये इसको टॉवल क्लिप्स मोर कॉमनली कहते हैं, तो इसे लेकिन गॉल ब्लैडर को भी होल्ड करते हैं, ठीक है। अगर गॉल ब्लैडर को आप होल्ड करते हैं, तो आप यूट्रस अगर होल्ड कर सकें उसको भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हार्ट स्ट्रक्चर हो जाती है, तो हाँ टॉवल हो गया ना, ठीक है, स्पंज होल्डर, टॉवल क्लिप, ये आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड बैबकॉक, BABCOCK, बैबकॉक फोरसेप्स, बैबकॉक फोरसेप्स, सिंपल बैबकॉक इज सफिशिएंट, मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मोस्ट कॉमन पर्पज के लिए यूज हो रही है, एपोनोरोसिस के लिए भी, लेकिन आपसे जो आपको एक क्रेडिट जो मिलेगा इसमें, अगर आप अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए ये फोरसेप होता है, ठीक है, तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए होता है, स्प्लेनिक पेडिकल को होल्ड करने के लिए है, फेलोपियन ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए ये बैबकॉक फोरसेप यूज होता है, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलिस फोरसेप्स, ठीक है, अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद एलिस फोरसेप्स, ठीक। मॉरिस रिट्रैक्टर और डीवर्स रिट्रैक्टर, डीपर टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए डीवर्स है, ठीक है, DEAVERS, इट इज डीवर्स, इट इज मॉरिस। मॉरिस जो है एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए रिट्रैक्टर है, इससे भी हम एब्डोमिनल वॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हुक टाइप है, ये डैमेज कर सकता है अगर हम डीप लेते हैं इंटेस्टाइनल की तरफ, इससे आप इंटेस्टाइन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज मॉरिस, इट इज डीवर, ठीक है, तो इट इज डीवर। मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो बुजुर्ग थे वो इसको देवर दीवार वो ही पढ़ चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो निश्चर के खालिद वैसे साहब थे, फिर उन्होंने उस लड़की को कहा था कि अगर ये देवर है तो फिर जेठ भी हो कोई, वो ढूंढो, ठीक। तो डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ, इट इज डीवर्स डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर की वेरिएशन है, योर डिटेक्टर डिफरेंट नहीं है,
ऑल ऑफ दीज आर डिवर्स डिटेक्टर्स. अगेन कॉमन इंस्ट्रूमेंट नीडल होल्डर. ठीक है, तो इसमें नीडल होल्ड करते हैं, थ्रेड होल्ड नहीं करते, इट इज नीडल होल्डर. ये क्या है? बोथ ऑफ दीज आर ट्यूब्स फॉर इंट्यूबेशन. दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब या ETT, इट इज कैप्समी ट्यूब. पार्ट्स दोनों के सिमिलर हैं. ठीक है, ये कफ है, यहाँ पे भी कफ है. ठीक है, ये पायलट बैलून के तौर पे यूज होता है, यहाँ पे भी पायलट बैलून के तौर पे है. अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पायलट बैलून, इसका फंक्शन क्या रह जाता है. ठीक है, तो ये अगर इंस्ट्रूमेंट ओपन हो तो मैं आपको, इसके अंदर जब आप एयर इन्फ्लेट करते हैं, जब ये फुल इन्फ्लेट हो जाता है तो ये भी इन्फ्लेट हो जाता है. अब ये चीज थ्रोट के अंदर होती है, ट्रेकिया के अंदर होती है, तो अगर ये इन्फ्लेट कर जाए तो इट इज एन इंडिकेटर कि ये इन्फ्लेट हो चुका है. ठीक है, जब आपने एक्सट्यूबेट करना है तो आप इसमें से एयर निकालती हैं, वो इसमें से भी एयर निकाल देता है. ठीक है, तो अगर ये डिफेक्टिव हो जाए तो फिर इसका कोई भरोसा नहीं है. सो इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, ये चीज जरूर फंक्शन प्रॉपर करे. ये क्या है? टी ट्यूब. शेप है टी ट्यूब. क्या है ये? टी ट्यूब. टी ट्यूब. ठीक, पहले से पता था या मैंने बताया? आपके बुजुर्गों ने इसको फॉलिस भी कहा हुआ है. ठीक है, सो अगेन डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ. टी ट्यूब. ठीक, कहाँ यूज होती है? सीबीडी एक्सप्लोरेशन के अंदर. सीबीडी में अगर स्टोन है तो उसकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है? जब भी आप सीबीडी के ऊपर इंटरवेंशन करेंगे, टी ट्यूब विल बी द एंड लाइन जो प्रोडक्ट होगा कि उसमें आपने टी ट्यूब रखनी है ड्रेनेज के लिए. ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. जब इसको आपने रिमूव करना है, उससे पहले कौन सा टेस्ट कराएंगे? टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम. यह है नेल्सन ड्रेन जो भी हमने पेशेंट में पास की थी. ठीक है, इनका क्या फंक्शन है? आइडेंटिफाइड इंस्ट्रूमेंट. और उसके बाद कहाँ पे यूज हो रही है? एब्डोमिनल कैविटी में, सर्जरी में, कहीं भी सर्जरी हो रही है, चाहे वो लिम्स में है, चाहे वो थायराइड की है, चाहे वो एब्डोमिनल है. इफ देयर इज इंडिकेटर के बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई एनास्टोमोटिक लीकेज तो नहीं है, इंडिकेटर क्या है हमारे पास बॉडी में? वो ड्रेन है. बाकी सारे फिर वो क्लिनिकल मेथड्स पे चले जाते हैं, लेकिन एक वाज़े इंडिकेटर इसके अंदर जो फ्लूइड आ रहा है वो इंडिकेट करेगा कि कौन सी टाइप का अंदर डिफेक्ट चल रहा है. एक है जनरलाइज्ड पूल्स होता है. ठीक है, एक है फ्रैंक डार्क फ्रेश कलर अगर ब्लड आ रहा है, और दूसरा है कि जो फ्लूइड आ रहा है उसमें स्मेल भी आ रही है, तो वो या फिकुलेंट कलर का मटीरियल आना शुरू हो जाए, तो ये इंडिकेटर हमारे पास होता है. इसको आप कहते हैं नेल्सन ड्रेन. ठीक, जितना नंबर इसका ऊपर जाएगा उतना इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा. ठीक है, 18, 20, 22, 24, 26 कैलिबर इसका बढ़ता जाएगा.